हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर 2023 का फाइनली एडमिट कार्ड आ गया है। स्टेज टू आपका एग्ज़ाम है, आपको पता है राइट। तो स्टेज टू एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या गाइडलाइन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसके रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जो का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। 3 पेज का आपका एडमिट कार्ड दिया रखा है, उसमें आपका रिटर्न क्या होगा, रिटर्न कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, सारा कुछ आपको कंप्लीट मतलब कि आपको ए टू जेड जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है आपको स्टेज टू के लिए, जो आपका रिटर्न भी है, फिजिकल भी है, मेडिकल राइट, और कितने दिन पहले पहुंचना है, सारा कुछ आपको कंप्लीट गाइडलाइंस इस पे दे दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट मतलब कि इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो वहां पे ऐड हो जाएगा, वहीं पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। एक चीज और बता दें, एडमिट कार्ड जिसको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें ईमेल आईडी पासवर्ड अपना मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको कहाँ पे, डायरेक्ट आपको एडमिट कार्ड पे, और एडमिट कार्ड पे क्या क्या कॉल अप लेटर में क्या क्या दे रखा है वो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे एंड जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा ताकि जो भी बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाता है। सीधा सीधा आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वहीं पे जाना है, आपको सीधा सीधा कहाँ पे चले जाना है, आपको इंडियन नेवी का जो अग्निवीर वेबसाइट बनाया गया है उस पर आपको चल जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और अग्निवीर के लिए यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पे, तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे और कैप्चा डाल के फिल पासवर्ड डाल के आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने शो होगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टेज टू हॉल टिकट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे राइट, स्टेज टू एडमिट कार्ड फॉर अग्निवीर 1 2023। और यहाँ इस पर क्लिक करेगा तो आपका डाउनलोड एसएसआर हॉल टिकट यहाँ का, और अगर आपका एमआर का होगा तो एमआर भी यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो चलिए एडमिट कार्ड हमने डाउनलोड कर लिया, उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये सारा कॉल अप लेटर जो है फॉर अग्निवीर स्टेज टू फिजिकल फिटनेस टेस्ट रिटेन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल यहाँ पे दे रखा है राइट। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका फिजिकल होगा, रिटेन एग्जाम होगा एंड मेडिकल भी कराया जाएगा, साफ साफ इसमें लिख रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएसआर का है, आपने यहाँ पे देख लिया, अगर एमआर का होगा तो यहाँ पे एमआर लिखा होगा, बाकी इस पर सारा कुछ है। और ये इनका आपको इनका जो एग्जामिनेशन सेंटर ये देख सकते हैं, कमांड जिम्नेशियम एंड कोहली स्टेडियम ओल्ड नेवी नेवी नगर टिफ्रगेट कोलाबा मुंबई में ही इनका है, महाराष्ट्र लैंडमार्क नियर नेवी नगर बस स्टॉप कोलाबा नियरेस्ट बस स्टॉप नेवी नगर बस स्टॉप कोलाबा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस फॉर मुंबई। ये आपका इनका है मतलब कि एग्जामिनेशन सेंटर जो दे रखा है, नेम एंड एड्रेस एग्जाम सेंटर राइट। इनको डेट एंड टाइमिंग क्या है, तो देखिए डेट एंड डेट ऑफ टेस्ट एंड रिपोर्टिंग टाइमिंग 6 अप्रैल को इनका टेस्ट है, 6 अप्रैल को है। तो आपको 6 अप्रैल कब, 7:30 बजे मॉर्निंग में जितना टाइम दे रखा होगा उससे आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए यहाँ पे पहले बता दूँ मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस क्या है, इंस्ट्रक्शन जो दे रखा है। स्टेज टू सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फिजिकल, पहले आपका फिजिकल कराया जाएगा, जो फिजिकल बच्चे पास कर आउट करेंगे, जो फिजिकल निकालेंगे उनका रिटर्न एग्जाम फिजिकल में क्या क्या वो होगा वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जो रिटर्न फिर वहाँ पे उसी समय आपको इस प्रोसेस में हो सकता है 2 दिन भी लग जाए राइट। तो अपना पूरा तैयारी के साथ जाइएगा, ओके, फुल अरेंजमेंट के साथ जाएगा, 2 या 3 दिन लग सकता है, मैं पहले बता देता हूँ। रिटर्न एग्जाम होगा राइट, उसी दिन फिजिकल उसी दिन रिटर्न एग्जामिनेशन राइट, हो सकता है नेक्स्ट डे आपको मेडिकल कराया जाए। तो 2 दिन के लिए एकदम पूरा तैयार होकर जाइएगा कि मुझे 2 दिन लिए वहाँ पर जाना है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपेयर फॉर द टेस्ट, लेट आपको नहीं पहुँचना है, 7:30 बजे इनका है, उसी तरीके आपका भी टाइम दे रखा होगा तो आपको 1 घंटे पहले 6:30 में एंट्री वहाँ पर मार देना है गेट के पास। चलिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है वो देखिए, ऑन अरेंजमेंट टू बी मेड फॉर फूड, अपना फूड बॉर्डिंग लॉजिंग जो भी है अपना वो खुद अपना तैयार करके जाना है, रहने का व्यवस्था खाने का व्यवस्था सारा कुछ अपना व्यवस्था करके ही जाना है, क्योंकि हो सकता है 2-3 दिन आपको लगे, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है ओके। कैंडिडेट मेक ऑन अरेंजमेंट फॉर बॉर्डिंग लॉजिंग इन ऑल केस, बॉर्डिंग एंड लॉजिंग शैल नॉट बी प्रोवाइड बाई एनी कैंडिडेट एनी अंडर एनी सर्कमस्टेंस ठीक। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है, मैं बता दूँ आपको। You are to bring following document for examination original, right? आपको original document लेके जाना है। पहला चीज है education certificate, मतलब passing certificate, मार्कशीट ऑफ मैट्रिक एंड 10th 12th, मतलब कि मार्कशीट लेके जाना है 10th का 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट 12th का सर्टिफिकेट 12th का मार्कशीट 12th का 10th का मार्कशीट 10th का सर्टिफिकेट, ये चीज़ हो गया पहला चीज़ डॉक्यूमेंट।
और ये ओरिजिनल लेके जाना है। एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिसके पास होगा वो लेके जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दिस कॉल अप लेटर एंड द हॉल टिकट फॉर आईनेट, और ये आपको ये वाला जो है ना ये पूरा 3 पेज निकलवा लीजिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए, राइट। और ये लास्ट वाला भी है, मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या लेके जाना है, राइट। चलिए ये 3 चीज़ हो गया। चौथा चीज़ जो हमारा दे रखा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। जिस भी स्टेट से हैं आपने फॉर्म भरा है, आप बिहार से हैं तो बिहार का डोमिसाइल आपको लगेगा, झारखंड से हैं तो झारखंड का, मुंबई से हैं वहीं का, महाराष्ट्र का, जहाँ से भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ से भी वहाँ का आपको डोमिसाइल लगा। और डोमिसाइल की जगह पर आपका आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे सोचे कि उस पर तो हमारा एड्रेस दे रखा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट नहीं, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग लेके जाना है। और साथ में आपको आधार कार्ड भी मैंडेटरी है, ये लेके जाना है। पैन कार्ड यहाँ पे दे रखा है, वो भी लेके जाना है, राइट। यहाँ पे दे रखा है 6 रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, मतलब कि ये 3 महीने के अंदर का फोटो आपको होना चाहिए। कितना? 6 कलर फोटो, 6 कलर फोटो आपको होना चाहिए। आप 10 कलर फोटो निकलवा लीजिएगा, बेहतर आपके लिए रहने वाला है 10 कलर फोटो। इसमें से आपका फ़ोटो होगा पहले का तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज रीसेंट कलर फ़ोटो लिखा है और बिना स्लेट वाला ले लीजिएगा, और ये वाला होगा तो ये भी ले लीजिएगा आपके पास, राइट। इसमें से भी आप ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे आपका यहाँ पर और क्या लेना है। 5वां नंबर पॉइंट जो हमारा दे रखा है, योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट अपलोडेड फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज ऑफ सेलेक्शन कैंडिडेट विथ इनवैलिड इनकरेक्ट इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट विल बी डिसक्वालीफाइड एट एनी स्टेज ऑफ सेलेक्शन। कोई भी आपने डॉक्यूमेंट मतलब कि गलत वगैरह अपलोड किया है तो आपको किसी भी स्टेज पे आउट कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन जो है रोक दिया जाएगा, ओके। तो ये आपका इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना, तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेगा, राइट। 6वें नंबर पॉइंट में है मोबाइल फोन पर्स वैलेट ऑर्नामेंट्स मेटेलिक आइटम कैलकुलेटर डिजिटल वॉच ब्लूटूथ डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रिंटेड मटेरियल स्टेशनरी आर नॉट परमिटेड इनसाइड एग्जामिनेशन प्रिमिसाइजेस। इंडियन नेवी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी और लॉस ऑफ एनी वैल्यूएबल। मतलब कि सीधा सीधा यहाँ पर लिख रखा है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं लेके जाना है अंदर। अगर आप लेके जाते हैं तो ये जिम्मेवारी आपकी होगी, ये रिस्पॉन्सिबल उसके आप ही खुद होंगे। अगर वो गुम होता है तो उसका कस्टडी में, वो सेफ कस्टडी में नहीं रहेगा नेवी के, और ना ही का कोई भी आपका मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। साफ साफ 7 नंबर, यू आर टू बी पर्सन इन एटलीस्ट 2 ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन। आपको 2 ब्लैक या ब्लू पेन ले लेना है, कोई भी एक आपको लेके जाना है, 2 ले लीजिएगा, बेहतर आपके लिए रहेगा। 2 पेन बॉल पेन आपको ले लेना है, ये आपको लेके जाना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेके जाना है। चलिए तो यहाँ पे स्टेज 2 का जो आपका PFT है वो पहले देखिए, PFT रिटर्न एग्जामिनेशन, फिर आपका मेडिकल विल बी कंडक्ट इन स्पोर्ट्स शॉर्ट्स शूज जो है ट्रैक पैंट वो सब आपको खुद ही लेके आना। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू रन विदाउट फुटवेयर, बिना जूता के आपको दौड़ने नहीं दिया जाएगा। अंडर कैंडिडेट अंडर गोइंग PFT विल शो देयर, वो अपने एक रिस्क पर ही जाना होगा, मतलब कि कुछ मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं आपका पैर टूट गया तो उसका जिम्मेदार नेवी नहीं होगा, ये आप खुद जिम्मेवार हैं, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट का 1600, उसके बाद उठक बैठक स्क्वाट आपको करना होगा, राइट। और पुशअप जो है 12, यहाँ पे नीट जो है बेंट नीट जो नी सीट होता है वो इसमें अब नहीं रखा गया है। 12 पुशअप है, 20 उठक बैठक है, 6.5 मिनट में रनिंग है, ये ध्यान रखना है। फीमेल कैंडिडेट 8 मिनट में रनिंग करेंगी 1600 मीटर का, 15 उनके लिए उठक बैठक करना है, पुशअप नहीं है, 10 उनका ये है बेंट नी सीटअप है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये चीज़ आपका प्रोसेस कम्प्लीट होगा। उसके बाद आपका 9 नंबर में है मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली फिट इन द रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन स्टेज 2। आपका स्टेज 2 का मार्क्स होगा, वही लोग मतलब कि जो क्लियर करेंगे वहीं पे आपका एग्जाम का रिजल्ट भी सुना दिया जाएगा, राइट। मेरिट लिस्ट थोड़ा लेट आएगा, उसी दिन आपका रिजल्ट सुना दिया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट, तो एडवाइज अपील अगेंस्ट, अगर आपका मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो आपको री मेडिकल दिया जाएगा, साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है। हॉस्पिटल एलोकेटेड बाय द इंडियन नेवी विथ इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 21 डेज, 21 दिन का आपके पास टाइम होगा। नो फर्दर रिव्यू अपील इज परमिशन मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल अदर देन डिस्क्रिप्ट मेडिकल हॉस्पिटल विल नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब कि जो आपको जहाँ भी दिया जाएगा वहीं पर आपको कराना, अलग जगह पर नहीं कराना है, साफ साफ, और 21 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। विजुअल स्टैंडर्ड ये देख सकते हैं, बेटर आई 6x6 और से 6x9, बेटर आई यहाँ पे विदाउट ग्लासेस दे रखा है 6x6 और से 6x6 यहाँ पे आपको दे रखा है विजुअल स्टैंडर्ड, ये आप देख सकते हैं। नो रिक्वेस्ट
फोर्स चेंज, इसमें ये नहीं है कि हाँ हमारा एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है प्रॉब्लम आपको नहीं है। ब्रिंग पैकेट पैक लंच एंड ड्रिंकिंग वाटर ऑन द टेस्ट डे, जिस दिन आपका है मतलब 6 तारीख को इनका है, तो 6 तारीख को आपको जिस तारीख का भी है उस दिन आपको सारा कुछ अपना खाना वगैरह पानी वगैरह लेके जाना है। फेलर टू अडेयर टू अबव इंस्ट्रक्शन विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन, मगर कुछ भी आपका प्रॉब्लम है तो ये तो कैंसिल वगैरह। हाँ एक चीज़ और दे रखा है, किसी भी दलाल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़िएगा कि इतना पैसा दे दीजिए हम आपका एग्जाम क्लियर करा देंगे, इतना पैसा दे दीजिए मेडिकल फिट करा देंगे, साफ साफ यहाँ पे इंडियन नेवी ने लिख दिया है। ओके वार्निंग अगेंस्ट इम्प्रेशन, अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं तो ये फॉर्जरी का मतलब यहाँ पे केस लगेगा, देख सकते हैं 420 का आईपीसी, चीटिंग 467, फॉर्जरी 468 और फॉर्जरी फॉर चीटिंग 471, ये कई सारे धाराएं यहाँ पे लगाई जाएंगी और आपका कैंडिडेचर भी कर दिया जाएगा कैंसिल, बहुत सारा प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। राइट इसका दिस इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट एंड डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर, यहाँ पे किसी प्रकार का सिग्नेचर की जरूरत नहीं, इट इज़ द मैंडेटरी कैरी। और ये चीज़ जो दे रखा है ना आइडेमिटी बॉन्ड अटैच विद दिस कॉल अप लेटर, आपको लेके जाना है साइन बाय द कैंडिडेट एंड काउंटर साइन बाय द पेरेंट्स गार्जियंस ऑफ द कैंडिडेट, इन एब्सेंस ऑफ द इंडेमिटी बॉन्ड द कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द स्टेज टू सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपको भर के ला जाना है, लेटेस्ट फोटो यहाँ पे चिपका लेना है, यहाँ पे आपका इनकंसिडर नेम ऑफ कैंडिडेट आपका यहाँ पे रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर ये आपको सीधा सीधा यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, आपको सीधा सीधा यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपको अपना सिग्नेचर वहाँ पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप अपने पेरेंट का सिग्नेचर ये दो निकलवा लीजिएगा, एक सारा कुछ भर लीजिएगा और दोनों पे पेरेंट सिग्नेचर यहाँ पे करा लीजिएगा, नाम उनका लिखा यहाँ पे सिग्नेचर उनका, जैसे पिताजी है तो पिताजी का सिग्नेचर, पिताजी का नाम, आपसे रिलेशन क्या है तो फादर है तो फादर, और एड्रेस यहाँ पे लिखवा लेना है और यहाँ पे आपका साइन। राइट ये चीज़ दे रखा है, ये साइन आप खुद वहाँ पे करिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टैम्प ड्यूटी पेबल ऑन द अंडरटेकिंग शैल बी बॉर्न बाय डेट ऑफ, ये सब चीज़ें हैं, बाकी इसमें कोई अगर दिक्कत आएगा तो ये सब तो नॉर्मल है, दिक्कत आएगा तो जरूर बताइए। हाँ ये ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट बताया वो लेके जाइएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर किया गया है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ लेके जाना नहीं है मेडिकल फिजिकल के लिए, वो कान नाक वगैरह बढ़िया से साफ सुथरा होकर जाइएगा, मेडिकल भी होगा इसलिए मैं आपको गाइड कर देता हूं। तो शेयर कर दीजिए एंड फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।